एक समय में तो हमें कैसे इसकी निदान हो ध्यान में नहीं आ रहा था। तब भारत की नौजवानों के द्वारा, भारत की वैज्ञानिकों के द्वारा, भारत की समाज के द्वारा बनने वाले औषधों को अमेरिका जैसे देश भी निर्भर किए। आज तो हम वैक्सीन दुनिया की बहुत सारे इमर्जिंग इकोनॉमी को, डेवलपिंग कंट्रीज को भेज रहे हैं। इसके अर्थ ये है भारत जो ढांचा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सपने को पूरा करने में लगा है, आज ना केवल भारत इसकी लाभार्थी होने वाला है, आज दुनिया की बहुत सारे वंचित गरीब देश भी उस मॉडल को अपनाने के लिए ठान लिया है। इसलिए आपके ऊपर जिम्मेवारी, ना केवल आपकी परिवार, आपकी जिला, आपकी राज्य, हमारे देश, बल्कि दुनिया की वंचित वर्गों की समाधान निकालने का दायित्व आपके ऊपर है। मैं इस संवाद में ये चुनौती आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं कि आपकी सोच वैश्विक बनाने की आवश्यकता है। आज अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में आपने बात छेड़ी है, क्लाइमेट चेंज एक देश को प्रभावित नहीं करने वाला है। अगर दुनिया की तापमान बढ़ रही है, समुद्र की ऊंचाई बढ़ेगी तो करोड़ों की आबादी विलुप्त तो होगा। मित्रों, इसी को बचाने के लिए कोई देश चाहे भी तो नहीं बचा सकता है। इसलिए देश नहीं, दुनिया को बचाने की दायित्व आज हमारे पास है। आज वसुधैव कुटुंबकम की नई परिभाषा की आवश्यकता हो रही है। आज दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप हो रहा है। अभी कोरोना ने वर्क फ्रॉम होम की कल्चर लाया। एक रिपोर्ट अभी अभी आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जिसमें यह उल्लेख किया जाता है आने वाले 2025 तक दुनिया में जितने काम होगा, जितने जॉब होंगे, उसमें से आधे जॉब व्यक्ति करेंगे, नागरिक करेंगे, कोई मनुष्य करेगा, बाकी आधे जॉब मशीन करने वाला। करोड़ों जॉब समाप्त होगा, करोड़ों जॉब नया इमर्ज होगा। इसको पहचानने की ताकत शायद अनुराग जी और निशित परमाणिक जी और ये दो बच्चियों का है, ना मेरा है, ना सुजाता जी का है, ना संजय जी का है। हम लोग वो क्रॉस लाइन पार कर चुके हैं। ज्यादा पहचानने की ताकत आप पे, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा यूजर कोई है तो आप हो। तरह तरह की चीजों को एक्सपेरिमेंट करने की रिस्क आप ले सकते हो। यह आपकी उम्र की तकाजा है, उम्र की स्वभाव है मित्रों। इसीलिए सारे गुण को देश की काम पे कैसे लाए, मानवता की काम पे कैसे लाए। डिजिटल इकोनॉमी नहीं बन रही, आज देश दुनिया के अंदर 40% डिजिटल कारोबार केवल भारत में हो रहा है। कारोबार करने से सिर्फ नहीं चलेगा, अभी 5G टेक्नोलॉजी 2022 दिसंबर तक देश में लग जाएगी। आज आपकी टेलीफोन पे 2G है, आपकी टेलीफोन पे 3G है, 4G धीरे धीरे आने लगा है, बहुत जगह पे इधर उधर हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटिबद्ध है, भारत की नागरिकों को 2022 दिसंबर तक 5G में जोड़ देंगे। 5G यानी, कभी बचपन पे हम लोग पढ़े होंगे, मन पवन घोड़ा। मन के अंदर आया कि मैं अभी रसगुल्ला खाऊं, दूसरे क्षण में आया नहीं नहीं रसगुल्ला नहीं, मैं कालाकांत खाऊं। मन ही तो खाता है, उसका आनंद हमको मिलता है। अभी मैं अमेरिका में रहूं, अभी नहीं नहीं अमेरिका नहीं, मैं चले जाऊं ऑस्ट्रेलिया। ये सब मन में चलता था, लेकिन अभी मित्रों हमारी टेलीफोन के अंदर आ चुका है 5G, क्षण क्षण में उसको जोड़ने वाला है। ये भारत में होने वाला है, आपके टेलीफोन में होने वाला है, आपकी जेब में होने वाला है, और बहुतों के पास तो दो दो होगा, है कि नहीं? दो दो, एक अलग काम करने के लिए और एक माँ बाप को दिखाने के लिए। और रात वाला हम फिर रखते हैं अंदर में, किसी से बात करते हैं, उसका फोन आता है, उसे चैटिंग करते हैं, उसमें आनंद आता कि नहीं आता है? उसको करते रहिए, उसको करते रहिए। लेकिन भारत को कैसे खड़ा करेंगे इस टेक्नोलॉजी को यूज करके? भारत में रोजगार कैसे बढ़ाएंगे? दुनिया को कैसे हम प्रभावित करेंगे? कभी कभी मैं मेरे घर में देखता हूं, ये कोरियन बैंड पार्टी का नाम क्या है? देखो चंद मिनट लगा नहीं, चंद मिनट लगा, सेकंड लगा नहीं, BTS की नाम लेने।
कल्लारी क्या है, कहां का? जितना बीटीएस आता है उतना कल्लारी नहीं आता है। मित्रों हमारी चुनौती है, कल्लारी दुनिया की सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट है, उसको दुनिया के अंदर दिखाने का मौका 5G में मिलेगा। खेल विभाग की दायित्व है, युवा विभाग की दायित्व, क्या एजेंडा हम लाए, जिस एजेंडा में भारत को खड़ा करेंगे। क्या कारण रहा होगा भगत सिंह के मन में मर मिटने की तमन्ना आया होगा, क्या कारण होगा 12 साल की बाजी राउत डरा नहीं, अंग्रेजों को मैं नदी के उस पार से उस पार नहीं करूंगा, भले ही गोली खा जाओ, गोली खा गया, क्या ताकत रही होगी उस भावना को। 21वीं सदी की प्रारंभ में हमारी दायित्व है। मैं दो विषय जोड़ा, भावना, देश को एक नई भावात्मकता के साथ जोड़ना पड़ेगा, नई दुनिया के साथ जोड़ना पड़ेगा। मित्रों देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही कह रहा है भारत को अपने आप में खड़ा करने की नई उपक्रम करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा, स्वावलंबी भारत बनाना पड़ेगा। भारत के अंदर इतने पर्यटन स्थान है, इतने उत्पादित चीज है, अगर हम उसको ई कॉमर्स के साथ, ट्रैवल चार्ट और ट्रैवल मार्ट के साथ जोड़ दे, शायद हम दुनिया की एक नंबर की इकोनॉमी हो जाएंगे। अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही गई, उसकी कैसे होगा, हम तो कह दिए। नेताओं को और अधिकारियों का एक बड़ा शौक है, हम थ्योरी तो दे देते हैं, करें कैसा, करने की चुनौती आपको, हम तो कह के चले गए। मित्रों करने का चुनौती आपके पास है। देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गया, 5G टेक्नोलॉजी आ गया, कोरोना को हमने हरा दिया, विश्व भर में अर्थनीतिक मंदी है, लेकिन भारत डंटा हुआ है। क्या कारण रहा है, इसको विश्व को कैसे समझाएं, इंडियन मॉडल को कैसे समझाएं, इसमें से इमर्जिंग इकोनॉमी को कैसे जोड़ें, एक भाव से जोड़ें, जिस लक्ष्य से, जिस उन्मादना से, जिस प्रेरणा से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, आने वाले 25 साल उस भावना को कैसे हम लोग लेके आए। मित्रों अंत में मैं एक बात निवेदन करके जाऊंगा, पिछले 75 साल में हम सभी लोगों ने आजादी के उपरांत हमारी अधिकार को लेके बहुत कॉन्शियस रहे, बहुत जागरूक रहे। मेरे को ये क्यों नहीं मिला, मेरे को वो क्यों नहीं मिला, हमारे ये अधिकार है। मित्रों इस प्रजातंत्र में, गणतंत्र में अधिकार जाहिर करना गुनाह नहीं है, ये उचित है, ये हमारी दायित्व है। लेकिन अधिकार मिलेगा कैसे, अधिकार ऐसा है कि एक हाथ की ताली नहीं है, दूसरा हाथ भी है। अगर कोई जिम्मेवारी लेगा तो 10 लोगों की अधिकार पूरा होगा। अभी आपको तय करना है, आप सिर्फ अधिकार मांगोगे या जिम्मेवारी लोगे। अभी समय आई है जिम्मेवारी लेने की, आने वाले 25 साल कर्तव्य बोध की, दायित्व की, रेस्पॉन्सिबिलिटी की संकल्प लेने की आवश्यकता है। इस युवा संवाद में आज हम यही संकल्पना करके जाएं, अगर देश को बड़ा बनाना है, देश को दुनिया की अव्वल नंबर की राज देश बनाना है, भारत की अर्थनीति को मजबूत करना है, भारत की नौजवानों के हाथ में काम पर्याप्त मात्रा में लाना है, तब हमें दायित्व लेने पड़ेगा, नया नया उपक्रम सोचना पड़ेगा। जैसी बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, बाजी राउत की उस आत्मा को पुनः स्मरण करना की आवश्यकता है। इसी के अंदर अगर वो दायित्व नहीं लेते, फांसी की फंदे पे नहीं झूलते, तो आज हमको ये अधिकार ना मिलता। आने वाले सदियों तक हम ये पीढ़ी दायित्व लेने की आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आपने हमें निमंत्रित किया, 2 शब्द संवाद करने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।